आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर निशाना। एक इंटरव्यू में बोले, पिछले 24 साल से लगातार गालियां खाने के बाद मैं गाली प्रूफ बन गया। मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? आज बंगाल में चुनावी अभियान से पहले प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर किया वार। बोले, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिल रही। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा रहे टीएमसी पर बोले प्रधानमंत्री, वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वोट न्यायपालिका को भी गाली दे रहे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर उठाए सवाल, कहा उसमें मुस्लिम लीग की छवि केजरीवाल को दी नसीहत। बोले, उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत। आज कोलकाता दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, शाम को करेंगे रोड शो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर सियासत तेज, बीजेपी का आरोप, कोलकाता पुलिस ने सड़क किनारे तैयार किए गए छोटे छोटे स्टेज कई जगहों से हटाए। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाया सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल का आरोप, अमित मालवीय ने ट्वीट कर साधा निशाना। बीजेपी के आरोपों पर कोलकाता पुलिस का बयान, सुरक्षा को लेकर एसपीजी की चिंता जताने के बाद कार्रवाई, इसलिए नहीं दी गई अनुमति। पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी कार्यक्रम, दुमका में सीता सोरेन के लिए करेंगे प्रचार। कोलकाता में आज ममता बनर्जी का चुनावी कार्यक्रम, सेंट्रल कोलकाता में शाम 5 बजे मांगेगी वोट। हिमाचल में जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम, किन्नौर, रामपुर में और शिमला में रैली। आज वाराणसी के रण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे साझा रैली, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगेंगे वोट। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही, कहा राहुल अपनी मां पर बोझ है। हेमंत ने उड़ीसा के जगत सिंहपुर में उछाला मथुरा का मुद्दा, कहा राम जन्मभूमि का कार्य पूरा हो चुका लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का बाकी है। आज तक से खास बातचीत, बोले सीएम योगी, चुनाव विपक्ष कर रहा है बांटने की कोशिश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, आज तक से खास बातचीत, बोले आरक्षण में मुस्लिम जातियों की करेंगे समीक्षा। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने पीडीए का बताया फुल फॉर्म, कहा पी से पूर्वांचल है, पी से प्रोग्रेसिव है, एनडीए की राजनीतिक नकारात्मक। बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, तेजस्वी और मीसा भारती के साथ सियासी हालात पर बात की, मोदी सरकार पर साफ निशाना। केजरीवाल की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी जल्द सुनवाई, एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। अग्निवीर योजना को लेकर सियासी घमासान, राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले सरकार ने जवानों को मजदूर बना दिया है, सत्ता में आए तो खत्म कर देंगे ये स्कीम। बिहार की रैली में राहुल गांधी ने एक युवक को स्टेज पर बुलाया, अग्निवीर योजना पर की बातचीत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस देश में भ्रम फैलाना बंद करे, कांग्रेस ने सेना को कुछ नहीं दिया है। अखिलेश का भी सरकार पर निशाना, बोले अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, अगर बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी वालों की नौकरी 3 साल कर देंगे। गोड्डा में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उछाला बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा, कहा आदिवासी मुस्लिम बना तो लव जिहाद के साथ होगा लैंड जिहाद।